जय हिंद साथियों। साथियों आप लोगों को बता दें, आरआरबी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे टेक्नीशियन का बहुत दिनों से जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहा था, मगर अब जो है साथियों आप लोग का लास्ट डेट बहुत ही पास आ चुका है। यानी कि आप लोग का जो मित्र आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म है वो 8 अप्रैल तक जो है लास्ट डेट होने वाला है। 8 अप्रैल को आप लोग का जो है इसका फॉर्म का जो है लास्ट डेट है, इसके बाद आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग का साथियों ये लास्ट वीक स्टार्ट हो चुका है फॉर्म अप्लाई करने का। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं उन लोग से आग्रह है, अब आप लोग जो है अपने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि साथियों अब आप लोग को जो है लास्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए एएलपी में जो है प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिला था, साइड जो है लास्ट डे तक स्मूथ चला था, मगर शायद अगर हो गया तो उसके भरोसे भैया क्या करिएगा फिर तो है। अगर आयोग ने डेट नहीं बढ़ाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप लोग जो है फॉर्म को जो है जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं जाकर के अप्लाई करिए साथियों, अब आप लोग को रुकने का कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप लोग को हम आप लोग को सारा डिटेल्स जो है बतला दिए हैं, और अभी के सेशन में आप लोग को ये हम बतला दे रहे हैं कि रेलवे टेक्नीशियन का जो है कैटेगरी वाइज डिटेल्स फिटर के लिए। देखिए साथियों आज और कल दो दिन आप लोग का हम स्पेशली रेलवे टेक्नीशियन के लिए ही दे रहे हैं, यानी कि रेलवे टेक्नीशियन का जितना भी आईटीआई में ट्रेड है 12 का भी और ग्रेड 1 का भी, सभी का आप लोग का कैटेगरी वाइज डिटेल्स जो है आज और कल दो दिनों के अंदर में सारा बतला देंगे। उसके बाद आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा साथियों अपने कैटेगरी का सीट को देखते हुए। अगर मान लीजिए आप लोग का फॉर्म जो है भरने का मन कर रहा है कि हम मुंबई में सर फॉर्म को अप्लाई करें और हम लोग का जो ट्रेड है वो फिटर है, तो भैया आप लोग को बतला दें, देखिए मुंबई से अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोग ओबीसी कार्ड से हैं तो ओबीसी का जो है मुंबई में 28 सीट है, ठीक है, और फिटर ट्रेड से है तो चलिए आप लोग भर सकते हैं। मगर मान लीजिए किसी का मन है कि भैया हम सिकंदराबाद में अप्लाई कर रहे हैं और वो भी ओबीसी ट्रेड से और फिटर मेरा जो है वो ट्रेड है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से और फिटर मेरा ट्रेड है, ठीक है। तो देखिए अगर सिकंदराबाद में जा करके अप्लाई तो कर देंगे मगर सीट क्या है तो जीरो, तो क्या होगा उनका, यहीं पर जो चांसेस है वो हाथ से चला जाएगा जॉब होने का, ठीक है। तो कैटेगरी अपना देख लीजिए कौन से जोन में कितने सीटों पर निकाला गया है, उसके बाद जा करके धैर्य से आराम से फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी देख लीजिए अच्छे से, देखिए फिटर का जो है पोस्ट कोड नंबर 11, ठीक है साथियों, फिटर का ये पोस्ट कोड नंबर 11 है, जिसमें कोई भी और ट्रेड वाले, कोई भी ट्रेड वाले हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, कोई भी यहाँ वो फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। सिर्फ किसके लिए है तो ओनली फॉर फिटर के लिए, कौन सा है तो पोस्ट कोड नंबर 11। तो अगर आप लोग जो है फिटर ट्रेड से हैं फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट प्रिफ्रेंस में सबसे पहले आप लोग को पोस्ट कोड नंबर 11 को डालना है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे फिटर वालों का और भी बहुत सारे जो है पोस्ट कोड में वैकेंसी है, जैसे पोस्ट कोड नंबर 7 में है, पोस्ट कोड नंबर 4 में है, बहुत सारों में है, मगर ये जो है स्पेशली फिटर के लिए, ठीक है। तो चलिए अपना भाई कैटेगरी का जो सीट है वो बतला रहे हैं, अच्छे से थोड़ा धैर्य से देखिए और जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए फिटर ट्रेड से हैं तो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन का, टर्न का, सभी का बतलाएंगे एक तरह से बताएंगे। तो चलिए मित्र सबसे पहले बता दे फिटर में आप लोग को जो जो रेलवे के द्वारा है टोटल 21 जूनों में वैकेंसी निकाली गई है। 21 जूनों में आप लोग का जो फिटर के लिए स्पेशली यानी कि पोस्ट कोड नंबर 11 के लिए स्पेशली कितने जूनों में वैकेंसी है तो साथियों 11 जून में फिटर के लिए स्पेशली वैकेंसी निकाला गया है। चलिए तो उसको आप देख लीजिए कौन कौन सा वो जोन है। सबसे पहला अहमदाबाद जोन, जनरल के लिए 82 सीट है, एससी के लिए 35 सीट है, एसटी के लिए 16 सीट है, ओबीसी के लिए 62 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट है। और ठीक है इसी प्रकार साथियों अगर टोटल को आप लोग काउंट करिएगा ना तो टोटल को काउंट करने के बाद आप लोग का अहमदाबाद में 216, ठीक है 216 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है फिटर ट्रेड का, ठीक है। मुंबई 36 सीट पर जनरल, 7 सीट पर एससी, 5 सीट पर एसटी, 28 सीट पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 12 सीटों पर वैकेंसी है। टोटल काउंट करिएगा तो 88 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई, ठीक है मुंबई में। भोपाल 23 सीट पर आप लोग का जनरल, ठीक है 5 सीट पर एससी, 1 सीट पर एसटी, 9 सीट पर ओबीसी और 3 सीटों पर ईडब्ल्यूएस। टोटल काउंट करिएगा तो 41 सीटों पर आप लोग का जो है भोपाल में वैकेंसी देखने को मिला है साथियों, ठीक है। चलिए मालदा टाउन 22 सीट पर आप लोग का जनरल, देखिए भाई एससी के लिए यहां पर मालदा में कोई भी सीट नहीं है, तो एससी वाले अगर मालदा में सोच रहे थे अप्लाई करने के लिए तो बच जाइए, यहां पर फॉर्म को मत फिलअप करिएगा।
चलिए एसटी का 3 सीट और ओबीसी का 2 सीट और ईडब्ल्यूएस का टोटल 4 सीट पर वैकेंसी यहाँ पर मालदा टाउन में निकाला गया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर टोटल को ऐड करिएगा तो 31 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी मालदा टाउन में देखने को मिला है। कोलकाता 13 सीटों पर जनरल, 6 सीटों पर एससी, 4 सीटों पर एसटी, 7 सीटों पर ओबीसी, 12 सीट पर ईडब्ल्यूएस, टोटल अगर काउंट करिएगा 42 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर कहाँ पर भैया तो कोलकाता में वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अब आप लोग को बतला दे साथियों, अगर आप लोग फिटर ट्रेड से हैं, अपना कैटेगरी को देखते हुए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो 4 जोन है ना, मुंबई, भोपाल और मालदा और फिर कोलकाता, ये चारों आप लोग का यहाँ पर ठीक ठाक सीट देखने को मिल रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग भरिए, मगर आप लोग के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर ठीक ठाक सीट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप लोग के लिए सेफ रहेगा। और ये जो अहमदाबाद है इसमें थोड़ा ज़्यादा हाइएस्ट सीट है, देखिए भाई सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो सीट रहता है ना वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा भीड़ होता है, आप सभी को पता होगा। तो अपना जो भी है मीडियम वाला देख करके कैटेगरी वाइज सीट को अपना फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए गोरखपुर 7 सीटों पर जनरल, 2 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 5 सीटों पर आप लोग का ओबीसी और 2 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल अगर काउंट करें भीतर तो 17 सीटों पर वैकेंसी आप लोग का जो है गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर की अगर बात करें साथियों, तो 6 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर एससी, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है बिलासपुर में, 2 सीटों पर ओबीसी और 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल काउंट करिएगा तो 10 सीटों पर आप लोग का जो है बिलासपुर में वैकेंसी देखने को मिला है। सिकंदराबाद 5 सीटों पर जनरल, 7 सीटों पर आप लोग का एससी, 9 सीटों पर एसटी और यहाँ पर ओबीसी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटों पर है, टोटल काउंट करिएगा तो 25 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है साथियों। कहाँ पर? तो दोस्त सिकंदराबाद में, ठीक है। चलिए भुवनेश्वर 3 सीटों पर जनरल, यहाँ पर एससी के लिए कोई भी सीट नहीं, एसटी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल अगर काउंट करिएगा तो 6 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी देखने को मिल रहा है साथियों। कहाँ? भुवनेश्वर में, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? तो फिटर के लिए। पोस्ट कोड नंबर कितना? तो 11, ठीक है। आगे अजमेर 2 सीटों पर जनरल, 3 सीटों पर जो है एससी और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं, ओबीसी के लिए कोई भी सीट नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, टोटल काउंट करिएगा तो 6 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर भी वैकेंसी देखने को मिल रहा है दोस्त, ठीक है। 3251 6 हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया अजमेर। प्रयागराज 2 सीटों पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, सिर्फ आप लोग का जो है जनरल के लिए प्रयागराज में वैकेंसी निकाला गया, वो भी टोटल 2 सीटों पर, ठीक है मित्र। अब अगर टोटल आप लोग काउंट करिएगा तो ठीक इसी प्रकार से जनरल का साथियों 201 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। एससी का बात करिएगा, एससी का ना, हाँ एससी का अगर बात करिएगा तो दोस्त 66 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। एसटी की बात करें तो 40 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ओबीसी की यहीं पर अगर बात करिएगा अगर आप लोग मित्र, तो 116 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार साथियों अगर आप लोग टोटल को काउंट कर दीजिएगा ना तो 484 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी देखने को मिल रहा है साथियों। ये हो गया आप लोग का स्पेशली दोस्त किसके लिए, तो फिटर वाले ट्रेड के लिए। फिटर ट्रेड जिसका भी है वो जो है सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट कोड नंबर 11 को जरूर डालिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। पहला आप लोग का यही पोस्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, पोस्ट कोड नंबर 11 अगर आप लोग फिटर ट्रेड से हैं तब, ठीक है। चलिए और अगर आप लोग को बता दें मित्र, आप लोग इलेक्ट्रीशियन से हैं, वायरमैन से हैं, कोई भी ट्रेड वाले हैं, अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो कुछ ही देर में आप लोग को भी आप लोग का जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी सभी ट्रेड का बतला रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बतलाएं तो आप लोग के पास जो है तुरंत वीडियो पहुंच पाए और आप लोग अपने जो है कैटेगरी वाइज सीटों को देख करके जा करके आराम से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि अब लास्ट हफ्ता जो है स्टार्ट हो चुका है साथियों। ज़्यादा लेट करना हमारे देखने से भी सही नहीं है, ठीक है। तो जा करके अब आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए साथियों, यही बोलेंगे हम। चलिए तो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा मित्र, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना ही भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बेल आइकन दबाना आप लोग को नहीं भूलना है, एकदम ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा साथियों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे अपडेट्स बतलाते रहें। और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड जरूर करेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।